अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हैदराबादी आलू गोश का सालन। तो इसके लिए प्याज ले ली मैं, दो बड़े साइज़ के प्याज काट के ले ली मैं। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 स्पून, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 2 स्पून, लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर तक हम इसी तरह से भून लेंगे गोश्त और प्याज को। अब हम इसमें टमाटर काट के डाल देंगे। छह बड़े साइज के टमाटर लिए मैं। अब हम इसमें मेथी की भाजी डाल देंगे, 1 मुट्ठी मेथी की भाजी ली मैं, और साथ में कोथमीर भी काट के डाल देंगे थोड़ी सी। अब ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। शहरी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनता है सालन ये। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद में अच्छे से मिला लेंगे हम सब चीज़ों को। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के गोश्त गलने तक पका लेंगे। अभी हम चेक कर लेंगे, पानी सूख गया गोश्त में का पूरा। थोड़ी देर के लिए प्याज और टमाटर को भून लेंगे हम अच्छे से। टमाटर और प्याज गल गए, थोड़ी देर भून लेंगे हम इसी तरह से। अब हम इसमें आलू काट के डाल देंगे। आलू डालने के बाद में फिर से हम मिला लेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसको ढक्कन ढाप के 2 सीटी पका लेंगे, 2 सीटी तक। चेक कर लेंगे, फिर से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे हम सालन को। सालन अच्छे से भुने गए ये, टमाटर और प्याज अच्छे से भुने गए। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे, चाहे तो आप इसी तरह से भी सर्व कर सकते। मेरे को थोड़ा लूज़ ग्रेवी होना, आधे गिलास जितना पानी डाली मैं।
थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे। कोथमीर डालने के बाद में मिला लेंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पे 10 सेकेंड के लिए ढक्कन ढक के पका लेंगे तेल आने तक ऊपर। ये देखिए रेडी हो गया आलू गोश्त टमाटर का सालन। तो ये थी आज की रेसिपी हैदराबादी आलू गोश्त। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।